देश के गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। उनके आने से पहले ही कई तरह की बातें कही जा रही थी, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और ये बातें कही जा रही थी कि 2024 की तैयारी को लेकर के अमित शाह लगातार बिहार आ रहे हैं। उसी सिलसिले में उनका सासाराम में भी और नवादा में दोनों जगह रैली है। इन सारी बातों की तैयारियाँ पूरे जोर शोर से चल रही थी। इसके ठीक पहले आपने देखा होगा कि दो दिन पहले ही रामनवमी के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार खड़े नजर आए, शांति से रामनवमी मना। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच में अमित शाह को आज आना है, उससे ठीक पहले बड़ा बवाल हो गया है, सारा किया धरा, ऐसा लगता है कि पानी हो जाएगा। और अमित शाह के सामने जिस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही थी और जिस तरह के बातें की जा रही थी, कहा यह जा रहा था कि उनके आने से बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, वो सारा खेल बिगड़ गया है और भारी झमेला हो गया है। सासाराम में जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि वहाँ आपसी झगड़ा हो गया है और दो गुटों के बीच में झगड़े को लेकर के वहाँ धारा 144 लागू कर दी गई है। अब इन सारी बातों को लेकर के दोनों ही पक्षों से अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, जहाँ एक तरफ सरकार का कहना है और नीतीश कुमार के साथ साथ उनकी पूरी टीम का कहना है कि अमित शाह के आने से पहले इस तरह की बातें होती है और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की पार्टी है जो चीज़ों को बदलती है, लोगों को आपस में भिड़ाती है, वैमनस्य पैदा करती है और उसका लाभ उठाती है। लेकिन इसके ठीक उल्टा जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर के सरकार पर हमलावर है। विजय कुमार सिन्हा जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ कहा है और सरकार पर आरोप लगाया है कि अमित शाह के आने से पहले डर गई है बिहार की सरकार और महागठबंधन के नेता, इसीलिए इस तरह की चीज़ें अफवाहों के द्वारा फैलाई जा रही है जिससे कि उनकी रैली पर असर पड़े। 144 लगने के बाद ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि अमित शाह की रैली में लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लग जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से ये सारी तैयारियां की गई थी और एक बड़ा चुनावी कहा जा रहा है कि आगाज़ होने वाला था सासाराम से, अब उस पर विराम लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वैसे अमित शाह का आज आगमन है और आज रात में वो कहा जा रहा है कि एक बड़ी मीटिंग भी पटना में करेंगे, उसके बाद उनके सुबह में सासाराम जाने की खबर थी और उसके बाद नवादा में उनकी एक रैली थी। लेकिन सासाराम की रैली से पहले जिस तरह का माहौल बना है और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तथ्य सामने आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दोष सरकार पर लग रहा है और सरकार की तरफ से जो महागठबंधन के नेता हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अमित शाह अपने आने से पहले ही माहौल बिगाड़ देते हैं या फिर अपने हिसाब से माहौल बनाने का कोशिश करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस पर होता है और किस तरह से सरकार एक्शन लेती है। क्या अमित शाह की रैली उसी तरह से होती है जिस तरह से वो सोच रहे थे या फिर धारा 144 लगने के बाद उस रैली पर असर पड़ता है। बिहार राजनीति का अखाड़ा बन गया है और 2024 से पहले बिहार में जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत कुछ इशारा कर रही हैं कि 2024 के चुनाव से पहले बहुत कुछ बिहार में बदलना है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।